बीजेपी की कार्य समिति बैठक से ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्य समिति बैठक में संबोधन नहीं हुआ। कार्य समिति की बैठक के दूसरे सत्र में प्रस्तावित था वसुंधरा राजे का संबोधन। कार्य समिति की बैठक में समय से पहले वापस चली गई वसुंधरा राजे। अब इसको लेकर कई तरह के सियासी मायने निकालने के साथ चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संबोधन होना था उनका लेकिन समय से पहले वो निकल गई, जिसके बाद अटकलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अब कई तरह के अटकलें इसको लेकर लगाई जा रही हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्य समिति की बैठक में संबोधन नहीं हुआ है। दूसरे सत्र में प्रस्तावित था उनका संबोधन लेकिन उसके पहले ही वहाँ से वापस चली गई, और इसको लेकर अब अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्य समिति की बैठक यहाँ पर चल रही है और बैठक में तमाम जो दिग्गज हैं वो शामिल हैं। तो आज दूसरे सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन होना था लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा राजे वहाँ से चली गई, संबोधन नहीं हुआ, और इसको लेकर जो है अब एक बार फिर से जो अटकलें हैं वो लगाए जाने लगे हैं। अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? संबोधन नहीं होने की वजह से वो पहले चली गई या पहले चली गई इसलिए संबोधन हो नहीं सका? देखिए, इसको लेकर के आपको बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक है वो पूरी हो गई है। कार्य समिति की बैठक में तीन सत्र थे, तीनों ही सत्र जो है वो पूरे हो गए हैं। और अब से कुछ देर पहले जब तीनों सत्र के समापन के बाद में जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं मीडिया से मुखातिब हुए, स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के कुछ जवाब नहीं दिया। जब स्पष्ट तौर पर पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका संबोधन जब उनकी मौजूदगी थी दूसरे सत्र तक, तो उसके बाद क्यों नहीं हुआ, क्या पहले से तय नहीं था, तो इसको लेकर के जो जवाब है वो नहीं दिया। इसको लेकर के जो टालमटोली है वो उन पदाधिकारियों की तरफ से की गई, लेकिन निश्चित तौर पर तमाम जो हलके हैं उनमें इस बात को लेकर के जो चर्चा है वो गर्म हो गई है कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री का जो संबोधन है बीजेपी की कार्य समिति की जो बैठक है उसमें नहीं हो पाया। और आपको ये भी बता दें कि कार्य समिति की जो बैठक के तीन सत्र थे, वसुंधरा राजे तीनों सत्र से पहले ही जो है समय से पहले ही यहाँ से चली गई, तो